देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी के विचार को लेकर चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार को लेकर के चलते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को लेकर के चलते हैं, वो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के चलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर के चलते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के विचार को लेकर के चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और ये 1893 में कहा था, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देखा होगा, आपने वो परिवर्तन देखा होगा, महसूस भी किया होगा। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर 2014 के बाद आपने परिवर्तन नहीं देखा? कितना बड़ा परिवर्तन देखा है बताइए। अगर परिवर्तन देखा है तो 2014 के बाद परिवर्तन आया कि नहीं आया? 2014 के बाद परिवर्तन आया कि नहीं आया? राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया या नहीं किया? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मित्रों, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन 21 साल के नौजवानों ने, 22 साल के नौजवानों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्होंने अपनी जवानी नहीं देखी। देखिए उस माता के किस तरह से उन्होंने खून के आंसू बहाए थे, कितनी माताओं की मां गुजर गई, कितनी बहनें हमारी विधवाएं हो गई, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्होंने कदम पीछे नहीं उठाए, उन्होंने हमेशा पढ़ते रहे और इस देश को आजादी दिला करके वो रहे। क्या वो इस भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने आजादी दिलाई थी? क्या परिवारवाद के लिए उन्होंने आजादी दिलाई थी? क्या तुष्टिकरण के आधार पर चलने के लिए आजादी दिलाई थी? क्या गरीब को गरीब रहने की आजादी दिलाई थी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक परिभाषा बदलने का भी काम किया है।